आदर्श नगर पंचायत मोहाली के नहीं सुधरे हालात, अभी भी फैली है गली मोहल्लों में गंदगी। यूपी के सीतापुर में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के विपरीत कार्य हो रहे हैं, जिसके चलते यहां के रहने वाले हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत मोहाली की। कहने को तो ये आदर्श नगर पंचायत है, लेकिन साफ सफाई के मामले में यहाँ की व्यवस्था बेहद खराब पायदान पर है। मामले का शर्मनाक पहलू तो यह है कि यहाँ के अध्यक्ष श्रीमती सरिता गुप्ता के पति एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गुप्ता टीटू की सूचना पर भी यहाँ के सफाई कर्मी नहीं पहुंचकर अपनी हिटलरशाही का परिचय दे रहे हैं। इस गंभीर मामले पर नगर के रहने वाले विकास दीक्षित ने इस अव्यवस्था पर कहा, रविंदर जी, नगर पंचायत मोहाली जो स्वच्छता मिशन प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें कहीं मतलब जो रिपोर्टिंग के आधार पे उसमें कहीं नंबर हासिल किए जा रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत में जो यथार्थ के रूप में, ये देखिए हमारे पीछे देखिए कूड़े का ढेर पूरा लगा हुआ है बिल्कुल रोड साइड में, और कई जगहों पे जो कि बस्तियों में कूड़े का ढेर लगाया जा रहा है, वहाँ सुअर लौटते हैं जिससे अन्य बीमारियां फैल भी सकती हैं, संभावना है। नगर पंचायत कार्यालय के बिल्कुल बगल में कैथा मोहल्ला में ऐसी बड़ी समस्या वो बनी हुई है, फेसबुक पे लोगों ने डाला है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी यूं ही बस रोड साइड लगा के चले जाते हैं, नगर पंचायत का अध्यक्ष और अध्यक्ष अधिकारी द्वारा इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अन्य समस्याएं भी नगर की बहुत बड़ी हैं, नगर पंचायत में गौशाला 7 सालों से बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, और गाय छुट्टा आवारा पशु एक्सीडेंट का कारण बनते। दूसरी तरफ आदर्श नगर पंचायत मोहाली के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, यदि कहीं ना कहीं गंदगी फैली है तो उसकी सफाई तत्काल कराई जाएगी। इसमें यदि कोई सफाई कर्मी लापरवाही करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।